हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और आज हम लोग ना बहुत लेट हो गए उठने में। कल गए थे फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में, वहाँ से आए फिर घर के बाद पेंट वेंट किया, उसे बहुत टाइम हो गया था। और अभी जस्ट उठे हैं, किचन में आ गए, सब मम्मी ने बर्तन धुले हैं और यहाँ चढ़ा दी है मैंने चाय। तो चाय पियेंगे फिर लगेंगे दूसरे काम में। आज है 9 तारीख और दिवाली है 12 तारीख को, तो बहुत कम टाइम बचा है, तो फटाफट चीज़ें कर लेते हैं और गेट रेडी टू दिवाली। कपड़े ही कपड़े, कभी कभी धोबी घाट लगने लगता है करके। दोनों तरफ की छत बहुत ज़्यादा भरी हैं, सबके पावदान, बेडशीट, कपड़े, पूरी छत में कपड़े ही कपड़े। स्पेशली मेरी छत पे कुछ ज़्यादा ही कपड़े लग रहे हैं, पूरी फूल है। देखो इधर वाले अंकल के यहाँ छत खाली पड़ी, मेरे यहाँ ज़्यादा सब देखो अंकल कहाँ चढ़ के कपड़े फैला रहे हैं। चलो मेरे जो पावदान वगैरह सूख गए हैं उन्हें उठा लेते हैं, ले चलते हैं घर। सूख चुके हैं तो थोड़ी जगह मिल जाएगी दूसरे लोगों को फैलाने के लिए। त्यौहार सबका है यार। सो फ्रेंड, मार्केट और वाइट बॉक्स की वजह से ना अलमीरा के बहुत बुरे हाल हो रहे थे। जो ये पिंक कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है ना, मेरे यहाँ के सारे कपड़े ऐसे में स्टोरेज रहते हैं, तो उसमें ठीक रहता है कि हम लोग को पता रहता है कि अच्छा ये वेस्टर्न वेयर के हैं और ये इंडियन वेयर के हैं, ये घर के हैं, ये जिम के हैं। पर इस टाइम क्या हो रहा है ना, मार्केट निकलना है तो फटाक से जो लेना ले लो, और वाइट वॉश में कपड़े गंदे हो रहे हैं, लेट नाइट नहाना हो रहा है, तो मतलब जो हाथ में आ रहा है वैसे काम हो रहा है। और कुछ कपड़े ऐसे है ना जो एक बार पहने हैं, नए हैं, लेकिन उन्हें बाहर नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ पेंट, तो उन्हें भी सेपरेट कर रही हूँ साथ साथ, ताकि फेस्टिवल से पहले ना अलमारी ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। और उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे खाना बनाना था, और मम्मी ना इस समय बाहर वाले कमरे का जो फर्नीचर है वो हटा रही है, और जो भैया की दीवान बेड है ना उसके अंदर सामान रखा रहता है, तो वो देख रही क्या है यूज़ में क्या नहीं है, इस बार क्या रखना है क्या हटाना है। और मैं आ गई किचन में, तो मैं फटाफट से ना तहरी बना लूँगी क्योंकि 3 लोग हैं और टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि कुछ खाना वैसे बनाए, क्योंकि मुझे ना अभी सारे पेंट करने हैं गेट को और विंडो को, तो मैं यहाँ कर ले रही हूँ। मैं ना अभी इतना करती नहीं हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है। और आज ना मैं आपको बताऊँगी कि मिर्ची की इंस्टेंट सब्जी कैसे बनती है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे पराठे के संग, तहरी के संग, खिचड़ी के संग खाओगे, बहुत यम्मी लगेगी। तो ना मिर्ची को बड़े बड़े बाइट में ऐसे कट कर लेंगे, उसके बाद हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और 1 नींबू पूरा डालेंगे। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे, और मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे अंदर तक का इसमें नमक और नींबू चला जाए। और ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का हो गया, ये परफेक्ट है अब ये कुक करने के लिए। तो एक तवा लेंगे, तवे में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अच्छा, मुझसे थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया है क्योंकि हम लोगों को ना ज़्यादा फ्राइड पसंद है, तो इस वजह से हमने थोड़ा तेल ज़्यादा करके डाला है। आप थोड़े तेल में पकाओगे ना तो बहुत सही बनेगा। और ऐसे रखेंगे, सिम आँच पे करेंगे और इसके ऊपर ना कोई चीज़ ढक के रख देंगे, और तो ये धीमिया से पक जाएगा। अगर आपको कुरकुरे नहीं पसंद है ना तो आप इसे ऐसे ही जब पकने लगता है ना तभी हटा सकते हैं। हम लोग को ऐसे पसंद है तो हमने ऐसे बना लिए हैं। और नैन्सी ना ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही थी साइड में, तो मैंने सोचा आपको वो भी दिखा देते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस में उसने सारे पिज़्ज़ा टॉपिंग्स वगैरह लगाई, एंड लुक एट दैट, बहुत सुंदर लग रहा था, टेस्टी भी था। मैंने एक बाइट लिया था तो उसको ऐसा कुछ चुटर पुटर बनाने का जब भी मन करता ना तो वो आती किचन में, और कुछ भी ऐसे रैंडम चीज़ें जो होती हैं घर पर लेगी बनाएगी, और भाई सही बन जाती है चीज़ें। सो गाइज, भाई कैसे पूरे घर की पुताई करते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता। बताए मैंने कल सिर्फ और सिर्फ सारे घर की विंडो की है, और ये जो ब्लैक बॉर्डर्स है ना, ये हर कमरे में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह है। बाथरूम में नहीं है, किचन में है और सारे कमरों में है, तो मैंने वहाँ किया है। और डोर किया है मैंने, एक डोर और एक ये दूसरा डोर, और मेरे इतने में ही ना ये कंधादार डोर है ऐसे ऐसे कर करके, और भैया ने पूरे घर की वाइट वॉश किया है, सैल्यूट है। और आज 3-4 दिनों से ना शाम को ना आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे गले में फिर से पेन हो रही है। ठीक होता है फिर बिगड़ता है, ठीक होता है फिर बिगड़ता है,
थोड़ी देर बैठ गए क्योंकि मेरे यहाँ सच में लग रही है, और मम्मी नैन्सी बाहर वाले रूम पे बेड खाली कर रहे हैं। आज बाहर वाले कमरे की पुताई हो जाएगी और फिर पुताई फिनिश। या थोड़ा सा ये ऊपर से क्लीन कर दिया ना, तो जो हमने पोछा था ना वो गीला गीला था, जिसके से पेंट नहीं चढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ड्राई हो जाओ, जब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर डोर पोत देंगे। भैया आपको बताया भी नहीं है कि हम ये कर देंगे, वो भी उन्हें अच्छा लगे। कल रात में ना ये विंडो भी कर देंगे। शरा हो गया है, मजा आएगी। सो फ्रेंड, डोर का फ्रंट फेस अच्छे से पेंट हो गया और बैक करने की बारी है। पता है इसको अभी तक का पेंट नहीं हुआ था, ये वाइट कलर का था, मतलब जब इसमें पहली बार पेंट हुआ था वाइट कलर का ना, जब वाइट डोर थे तब का ये पेंट है। हम लोग बाहर पेंट कर लेते थे पर अंदर नहीं करते थे, और आज अंदर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत मतलब मेरे को बहुत टाइम लगता है। कभी कभी लगता है कि परफेक्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पेंट लें, फिर ज़्यादा लेते हैं ना तो उसमें पॉइंट चूने लगती है। फिर कैसे भी करके मैंने पूरा डोर अच्छे से तरह से साइड में और पीछे आगे सब अच्छे से पेंट कर दिया। और ये जो चौखट होती है ना डोर के कब्जे टाइप जो बोलते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से पेंट कर दिया है। और देखो नीचे के ब्लैक कलर की बाउंड्रीज भी पेंट हो गई है। सो गाइस, फाइनली डोर कंप्लीट पेंट हो चुका है अंदर बाहर हर तरह से। और मीनवाइल ना इस कमरे में भी काम हो रहा था दोपहर से, तो पूरा रूम ये खाली हो चुका है और फर्नीचर्स उठा के इधर रख दिए गए हैं टेम्परेरी। और नैन्सी ने ये वाली वॉल सिंगल कोट कर दी ना नैन्सी, यानी बोलो नहीं विंडो में भी पेंटिंग हो रही है। शाम के बज गए हैं 4:30 और अभी 4:30। सो अब बनाने की बारी है चाय, शाम हो गई है, चाय पियेंगे यार, बहुत ज़्यादा थकान है। ऐसे ऐसे पेंट करते करते छोटे थे तो ऐसे पेंट करते करते मेरी ये गर्दन दर्द होने लगी। बनाएंगे चाय, पियेंगे और देखते हैं मम्मी लोग यहाँ क्या कर रही हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। आजकल घर और बाहर दोनों का करना पड़ता है। अभी जा रहे हैं बाहर दूध का पैकेट लेने। वैसे मेरा सारा काम खत्म हो गया, मेरे डे क्या सब सही हो गया। अलमीरा सोचा था वो हो गया और गेट पेंट हो गया। आंटी ने इस कलर का पेंट कराया, अच्छा लग रहा, नाइस। और कल से उनका गेट ऐसे ही है, शायद सूखने की वजह से छोड़ दिया। चलो चलते हैं, दूध का पैकेज लेके आते हैं, कुछ खाने को लेके आते हैं। फ्लिपकार्ट का ही है, फ्लिपकार्ट में आपसे नहीं होती है। देखो कैसे पहुंचे लाने लगते हैं लोग। सो दोस्तों आ गए हैं संजीव भाई के फेमस गोलगप्पे खाने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते। ये 5 तरह के पानी रखते हैं, पुदीना, लहसुन, तीखा और जीरा वाला पानी, बहुत सारे पानी रखते हैं, और जो कि सारे के सारे टेस्टी होते हैं। और मेरे यहाँ पे ना सबको बहुत पसंद है, मतलब मेरी सोसाइटी में सबको बहुत पसंद है। और हम लोग पैक भी करा लेते हैं, तो मैंने खाए भी लिए और भैया लोग के लिए पैक करा लिए। इस पर बार बार वो हो रहा था ना, इसे टेम्परेरी बना है, पक्का थोड़ी ना। इनको देखो ये अपने कर्तव्य पूरे दिखाते हैं। हम पीछे क्या लेते हैं, क्या बात है, मेरे मोहल्ले में हम लोग ना घूमे हैं। आज नैन्सी ने पुताई की है दोस्तों, मेरे घर में एक पुतैया और आ गया। एक पुतैया, एक पेंटर। पेंट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जवाब नहीं दूंगी। और पुताई के लिए इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं देखोगे, हम लोग को अपने घर का ही नहीं करना, तो वो तो यार टाइम कम बचा, भैया का रेगुलर ऑफिस हो रहा है, तो हम लोग ने थोड़ा सा हेल्प कर दी हेल्प। और अगर आप हम लोग से कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाले। हम लोग आ गए बाहर की तरफ, थोड़ा सा माल लेना था, तो बस आ गए। अब काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्टेड हैं, तो अंदर से ना अच्छा वाली फीलिंग हो रही ना नैन्सी। फाइनली पूरे घर में पुताई होगी भाई। पुताई एक छोटी चीज़ होती है, लेकिन कितना टाइम लग गया नैन्सी। ऊपर से पता अब की क्यों टाइम और भी लगा है, क्योंकि 2-3 गैदरिंग हुई इसी में। मेरी फ्रेंड की शादी थी, बर्थडे था, और भैया की एक लोग की जान पहचान में था काम, तो उस वजह से ना टाइम बहुत लगा। तो चलो फाइनली त्यौहार से पहले तो हो गई। और इस बार ना ऐसा नहीं हुआ कि पुताई होने के बाद और चीज़ें हों, क्लीनिंग हो। इस बार साथ में सारी चीज़ें हुई हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो
ये मजा आएगी नया नया घर देखने में। सो दोस्तों आ गए हैं अपनी सोसाइटी की सब्जी वाली दुकान में। ये आंटी ना बहुत फ्रेश सब्जी रखती है, तो जो भी लेना होता है पास में ही आके ले लो। घर आ गए, मैंने आलू बॉईल कर लिए क्योंकि प्लान ये हुआ कि आलू के पराठे बनने हैं। तो साइड में आपको प्लेट में ग्रीन जो दिख रहा है ना, वो धनिया मिर्चा कट करके मैंने रखा हुआ है। और अब फटाफट से आलू छील लूँगी ताकि आलू के पराठे बना लूँ। 12 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। बाहर वाले कमरे का पेंट हो रहा है और सब लोग जग रहे हैं। हाँ मैं बाहर का पेंट हो रहा है और सब लोग जग रहे हैं अभी। और मम्मी को ना बहुत तेज मन हो रहा था चाय पीने का, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है और उनको मन था कि अदरक की चाय पीने का। और शायद भैया को भी मिल्क पीना था, तो अभी मंगाया है ब्लिंकिट से ये दूध का पैकेट, थोड़ा सामान और बनाएंगे चाय। दूध गर्माते हैं और चाय बनाते हैं रात के 12:15 बजे, आधी रात को जग जग के चाय बना रहे हैं। सोचो सोचो, दिखाएंगे आपको कैसा क्या रूम पेंट हुआ है थोड़ी सी देर के बाद। सो गाइज, मम्मी लोगों को चाय बना के दे दिया। मुझे ना बहुत तेज ठंडी लग रही है और बहुत तेज नींद भी लग रही है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। वॉल ना बाहर की कैसी हुई है, कैसा पेंट है या कैसी दिख रही है, वो आपको मैं कल के व्लॉग में दिखाऊँगी। आज का ये व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, अपने परिवार के साथ रहना। बाय बाय।